गाइस वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो एसक्यूएल की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है यार। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अब से पहले हमने देख लिया इसका इंट्रो, देख लिया यार इंट्रो देख लिया, और उसके अंदर हम फिर सब डिवीजन देख लिए कि कैटेगरीज क्या हैं, सब लैंग्वेज क्या हैं। उसके अंदर हमने DDL, DQL, ठीक है TCL, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, थ्योरी थ्योरी बहुत होगी, अब देखेंगे यार हम उसमें कमांड जो देखी थी उन कमांड को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कमांड किस तरह काम करती है यार। ठीक है, तो अब हम कमांड देखेंगे। चलिए सबसे पहले यार मैंने क्या कहा था, हम माई एसक्यूएल यूज़ करेंगे, फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो माई एसक्यूएल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम होगा, टाइम लगता है लोड होने में, और ये हो गया। ठीक है, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब मुझे अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा इस ऑप्शन पे, कनेक्ट टू डेटाबेस लिखूंगा मैं। मेरे पास एक ही स्टोर्ड कनेक्शन है इस नाम का, लोकल इंस्टेंस नाम से, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं ओके करूँगा और ये मेरा पासवर्ड मांगेगा। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं, उस टाइम आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, मैंने डाल दिया और अब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे यार, हम इस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करेंगे, एक मिनट में जरा ना इसको नीचे कर देता हूँ ताकि सही से चीज़ें विजिबल हों। एक सेकेंड भाई आ जाओ। ओके, तो यार यहाँ पे हम ना सारे कमांड्स को टाइप करके देखेंगे किस तरह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें अपडेट करते हैं, सारी कमांड्स हम देखेंगे। यानी कि हम DDL, DQL, इन इसके अंदर आने वाली सारी कमांड को, और DML इसके अंदर आने वाली सारी कमांड्स को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, किस तरह यूज़ करी चाहेंगे, तो इस वीडियो में ये सब होने वाला है, जो जो इनके अंदर कमांड्स आएंगे हम उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि तुम्हें यार फॉन्ट सही से दिखे, टेक्स्ट सही से दिखे जो मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, शायद इतना सही रहेगा। सबसे पहले अपनी खतरनाक कमांड लिखूंगा मैं भी। ठीक है, कमांड क्या है देखना, मुझे अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो खतरनाक कमांड क्या है देखिएगा, क्रिएट डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम दूंगा मैं टैब सेमीकॉलन। तो यार इतनी खतरनाक कमांड थी, इससे क्या होता है हमारा सिंपली डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप देखेंगे हर कमांड इतनी आसान है ना, इतनी आसान आपको लगेगा कि क्या यार ये भी कोई चीज़ जानने की थी। तो यार सिंपली ना ये इतनी ईजी है, स्टार्ट जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना ये, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये असली कोर्स है ही नहीं, यहाँ से थोड़ा ना देखा जाएगा, या फिर मुझे ऐसा लगा था कि ये तो मतलब शायद इसके बाद कुछ आएगा, इसके बाद कुछ आएगा, इसके बाद कुछ आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं यार। एसक्यूएल है ही इतनी ईजी, तभी तो इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, ये बहुत ही ईजी है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सब लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको रन करने के लिए क्या, जैसे मुझे सिर्फ एक लाइन को रन करना होता है, उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एंटर। ठीक है, और आप ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ मेरा आउटपुट आ जाता है, लेकिन मैं इसको मिनिमाइज कर रखा है, मुझे पता है कि यहाँ कुछ एरर आती है तो यहाँ दिख जाता है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा। एक लाइन को रन करने के लिए सिंपली कंट्रोल एंटर, सारे के सारे जितना भी आप कुछ कोड लिखा हुआ आपने, सारी कमांड लाइन को एक बार में रन करना है, उसके लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैंने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, अब मैं इस डेटाबेस को यूज़ करूंगा, इसके अंदर टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, इसके अंदर टेबल बनाऊंगा, उसमें इंसर्ट करूंगा, उसे डिलीट करूंगा, उसे अपडेट करूंगा उसमें, और उसी के अंदर रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट वगैरह करूंगा, जो भी करना चाहूंगा, और वो बाकी कमांड आपको साथ के साथ दिखाऊंगा। तो उसके लिए इस डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। इसको यूज़ करने का कमांड होती है यूज़ पैप, ठीक है, सिंपल, और इसको कंट्रोल एंटर। ठीक है, यूज़ होने लग गया है। अब क्या करेंगे यार, अपना सबसे पहले अपना टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करेंगे, उसके लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, और पैरेंथेसिस, लास्ट में सेमी कॉलम। पैरेंथेसिस के अंदर आता है तुम्हारे वेरिएबल्स, जो तुम वेरिएबल बनाना चाहते हो, यानी कि जो भी तुम कॉलम का नाम देना चाहते हो, फील्ड नेम बोलते हैं इसको, कॉलम नेम मतलब फील्ड नेम होता है यहाँ पे, और डेटा टाइप उसका साथ में। ये बात समझ में आई, अभी कोड लिखता हूँ, कोड में देखिए, क्रिएट टेबल के लिए कमांड है क्रिएट, ओके, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम आप जो देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ इसको जैसे कि टैब वन, मेरी मर्जी यार टेबल, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इम्प्लॉय दे दो, कुछ लोग जनरली इम्प्लॉय से शुरू करते हैं, बताना, मैं टैब से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, टैब वन, टेबल वन नाम से मैं नाम दे रहा हूँ इसे। ठीक है, और ये मेरा टेबल बन चुका है। अब मैं इसके अंदर क्या दूंगा, फील्ड नेम दूंगा, कॉलम नेम दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा वो मेरी मर्जी है, अब मैं देखता हूँ मुझे क्या नेम देने हैं। ठीक है, पहला तो यार हम ऐसा कुछ नहीं होता, इंडेंटेशन का इसमें कोई सीन नहीं है यार, जैसे पाइथन होता है इंडेंटेशन का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे क्या करूँ, नेम देता जाऊँ, उसका डेटा टाइप देता जाऊँ, नेम डेटा टाइप, नेम डेटा टाइप, एक लाइन दे दूँ,
वरना वो थोड़ा देखने में सही नहीं लगता है, बस बस देखने में सही नहीं लगता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं दूंगा नेम, एक कॉलम बना रहा हूँ, एक फील्ड नेम, इसको फील्ड बोलते हैं। नेम ये मेरी फील्ड है, यानी मेरे कॉलम होगा। नेम इसका डेटा टाइप क्या होगा, वेर कैर। यार ये डेटा टाइप होता है इसका, वेर कैर किस लिए होता है, जैसे स्ट्रिंग होती है ना वैसे ही वेर कैर होता है। इसके अंदर हम क्या साइज देते हैं कि कितने साइज का कैरेक्टर होगा, मतलब कितने साइज की स्ट्रिंग होगी। वो सिंपली कैर करूँ तो कैर भी यूज कर सकता हूँ मैं, नेम कैर, और मैं यहाँ पे 20 पास कर दिया। एक चीज देख लीजिए, चलिए बता देता हूँ। ठीक है ठीक है, तो डेटा टाइप ना बहुत तरह के हैं इसके अंदर। डेटा टाइप हैं कैरेक्टर, कैर, वेर कैर, ऐसे इंट, फ्लोट, डबल, ऐसी फिर डेसिमल, फिर डेसिमल में डी ई सी भी से होता है, इंट में आई एन टी और इंटीजर भी होता है, सेम काम करते हैं दोनों ऐसे। इसके अंदर फिर डेट होता है, डेट टाइम होता है, डेट टाइम ईयर होता है, और अलग अलग भी होते हैं। ये सब डेटा टाइप होते हैं इसमें। आपको ना अगर डेटा टाइप जानने हो, आप सिंपली सर्च करिए डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, यार सारे डेटा टाइप आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स का क्या है यार, वही काम है जो हर लैंग्वेज में। डेटा टाइप्स क्या डिफाइन करते हैं कि इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, चलिए डेटा टाइप का मतलब समझ गए। मैंने क्या किया इसको, मैं स्ट्रिंग, हाँ, कैर और वेर कैर में फर्क जान लीजिए, कैर और वेर कैर में। ये वैसे आप चेक कर सकते हैं खुद भी, जब डेटा टाइप्स पढ़ेंगे आप कर लेंगे चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने 20 साइज दिया है, यानी क्या कि ऐसी स्ट्रिंग आएगी जिसको 20 बिट्स एलोकेटेड होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ लिख दूँ वेर कैर 20, वेर कैर 20 लिख दूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, 20 साइज नहीं होगा पूरा, जितना भी देखो फाइनल साइज होगा 20। ठीक है, मैं आपको किसी का नाम देता हूँ, उसका नाम 10 बिट्स में आ गया। ऐसा नहीं रहेगा कि बाकी की 10 बिट्स खाली रहेंगी। इसमें क्या है, नाम 10 बिट्स में बेसिक आ गया, बाकी की 10 बिट्स खाली रहेंगी, लेकिन वो हमने क्या स्पेस दे दिया, स्पेस एलोकेट कर दिया। इसमें क्या स्पेस एलोकेट नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, खाली है, तो ये स्पेस एलोकेट ही नहीं होगा वेर कैर को। इसकी मैक्सिमम जो स्पेस देंगे इसको 20 देंगे। ठीक है, 20 बाइट्स का स्पेस देंगे। सपोज हमने 10 बाइट में नाम दे दिया, बाकी 10 बाइट ऐसी रहेगी, वो खाली पड़ी रहेगी, वो इसको एलोकेट ही नहीं होगी। इसके अंदर क्या रहता है यार, इसमें खाली पड़ी रहती है, बिना मतलब में डेटा भरा पड़ा रहता है, मतलब स्पेस ज्यादा लेता है ये कैर ना, स्पेस फालतू में लेता है। जितना चाहिए भाई उतना लीजिए ना, तो ये क्या करता है, जितना चाहिए होता है उतना ही लेता है ये भाई। इसको जितना दे दिया ना, जैसे 20 बाइट, तो 20 का 20 ही लेगा, चाहे नाम 2 बाइट में आ जाए, 3 बाइट में आ जाए, 4 बाइट में आ जाए, 10 बाइट में आ जाए, कितने भी आ जाए। ठीक है, तो ये सिंपल बातें हैं, इन सब बातों में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं यार, कि डेटा टाइप्स क्या है क्या नहीं है। आपको आप जो सोच सकते हैं, जिस तरह का डेटा टाइप, जैसे इंटीजर सोच सकते हैं, मैंने आपको बताया इतने इतने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, यूज कैसे करेंगे आप यहाँ देख लेंगे, और जैसे जैसे वीडियो में बढ़ते रहेंगे आपको और ज्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे इनसे, डेटा टाइप से। ठीक है, जैसे यार आपने C++, जावा, पाइथन, इन सब में देखते रहे टाइप्स, ऐसा तो नहीं इसके अलग से आपने कोर्स किया था, आपको पता चलते गए साथ साथ। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे वेर कैर से करूँगा, इसका डेटा टाइप होगा वेर कैर। ओके, ये मेरा एक कॉलम हो गया, एक फील्ड नेम हो गया। ठीक है, अगला कॉलम बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं एज दूंगा, एज, और मैं इसमें दूंगा नंबर, डेसिमल देता हूँ, चलो डेसिमल, और इसमें कितनी वैल्यूज जाएंगी, एज है तो यार 2 ही जाएंगी, तो सिंपली 2 के लिए देते हैं, मतलब कोई चलो 3 दे देते हैं, क्या पता भी कोई 100 के ऊपर हो। ठीक है, साइज दे देते हैं, मतलब सिंपली इसका साइज है और कुछ नहीं। ठीक है, इंट भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, मेरी मर्जी होती है यार, मैं डेसिमल देना चाहता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये जो डेटा टाइप है ना, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है कि जैसे मैंने एज दे दिया, एज को मैं मेरी मर्जी में कोई भी डेटा टाइप दूँ उसका, मैंने डेसिमल दे दिया। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, एक और इसमें ऐड कर देता हूँ मैं एड्रेस, जैसे एक और कॉलम ऐड करता हूँ एड्रेस। ठीक है, इसको मैं क्या देता हूँ, इसको भी वेर कर देता हूँ, वेर कैर ये टाइप है इसका, और इसमें साइज दे देते हैं 30। ठीक है, चलिए अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल एंटर, और ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया है, टेबल क्रिएट हो गया। मुझे कैसे पता चला टेबल क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए एक कमांड होती है डिस्क्रिप्शन, पूरे डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, दिस डी एस सी से भी हो जाता है, और यहाँ पे क्या करेंगे आप टैब 1। यार अब इसे रन करते हैं, इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन डी एस सी, मैं इसमें यार क्या कर सकता हूँ, मैं ना डी ई एस सी या डी एस सी आर आई वी, डिस्क्राइब कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, डिस्क्राइब
टेबल नेम डालना होता है, टेबल नेम क्या था मेरा टैप था, ठीक है मैंने लिख दिया। इससे क्या होगा, मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल एंटर से, मैंने इसे रन किया और ये रहा मेरा टेबल, ये रहा मेरा टेबल। ठीक है, ये मेरा टेबल है। फील्ड क्या है, फील्ड मतलब कॉलम का नेम, मैंने आपको बताया था। नेम, एज, एड्रेस, मैंने ये क्रिएट किया था नेम, एज, एड्रेस। ठीक है, वेर केयर 20 मैंने दिया था, डेसिमल 3.0, 3.0 पॉइंट नहीं कॉमा जीरो, फिर कॉमा, ये तो मैंने कुछ दिया नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो डेसिमल क्या कैसा होता है, ये डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ये दो चीज़ लेता है, एक तो लेता है पहले में साइज, दूसरे में लेता है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू आएंगी, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी। तो मैंने कुछ दिया नहीं था इसलिए बाय डिफॉल्ट जीरो हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है नल। नल क्या कहता है, नल कहता है कि यस यस यस, हर जगह यस यस कहा है उसने। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यार ना, जब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड क्या होता है, सिंपली एक रो होती है जिसके अंदर जैसे इस कॉलम के, इस कॉलम के, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज हैं, और क्या है, एक आदमी की वैल्यू है, एक आदमी का रिकॉर्ड है। मैं इस वर्ड को बहुत यूज करूंगा यहाँ पर, रिकॉर्ड, SQL में रिकॉर्ड कहा जाता है इनको, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉलम, ये मेरा टेबल हो गया, इसमें क्या रिकॉर्ड इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इस रिकॉर्ड में ना हम वैल्यूज को नल छोड़ सकते हैं, इसका कहने का ये मतलब है। ये नहीं जरूरी है कि हमको सारी वैल्यूज डालनी पड़ेगी, जब भी कोई पर्सन अपने रिकॉर्ड फिल कर रहा होगा तो किसी किसी वो इन सब वैल्यूज को ना नल छोड़ सकता है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे गूगल फॉर्म भरते हैं वहाँ पे किसी किसी जहाँ जहाँ आप इनपुट करते हैं कहाँ कहीं कहीं ना स्टार लगा रहता है। ठीक है, स्टार लगा रहता है, वो क्या कहता है कि इसको मैंडेट है, इसको इसको बिना फिल करे आप सबमिट नहीं कर सकते फॉर्म। ऐसे हम भी चाहेंगे, हम क्या करेंगे, जब अपना मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं, हमें नल वैल्यू को दिक्कत देती है ना। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे यार कि हम हमारे पास कोई नल वैल्यू आए ना, तो यहाँ सिंपली क्या लिख दें आप, नॉट नल लिखते हैं, नॉट नल लिख दें और टेबल क्रिएट करते हैं, बस सिंपली इतना काम होता है और कुछ भी नहीं। नॉट नल से क्या होता है, यहाँ पे नो आ जाता है, जहाँ भी आप नॉट नल लिखेंगे वहाँ पे नो आ जाएगा, यानी ये तो मैंडेट है भाई भरना, बना इसे भरे, अपना रिकॉर्ड डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली चीज़ है, ये कुछ नहीं। चलिए, तो टेबल क्रिएट कर लिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा, टेबल तो क्रिएट कर लिया हमने, आपने देख लिया डिस्क्रिप्शन से टेबल कैसे दिखता है, हमने वो चेक कर लिया। ठीक है, एक चीज़ और देखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, फर्स्ट वीडियो में बताई थी, केस सेंसिटिव नहीं होती है लैंग्वेज। ठीक है, तो टेबल में मैं टी कैपिटल लिख दूँ, ये स्मॉल लिख दूँ, ये बी कैपिटल लिख दूँ, एल कैपिटल लिख दूँ, ई लिख दूँ, तो भी नाम टेबल ही गिना जाएगा, या सारा कैपिटल लिख दूँ, सारा स्मॉल लिख दूँ, केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो हमने क्या करना, हमने अपना टेबल बना दिया, हम चाहते हैं उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, उसके लिए क्या कमांड हो सकती है, आप सोच के देखिए। तो उसके लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज, देन जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास कर देंगे, पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, जो पहला कॉलम होता है, सेकंड वैल्यू कहाँ जाएगी, जो सेकंड कॉलम होता है, थर्ड वैल्यू कहाँ जाएगी, जो थर्ड कॉलम होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी मैं कमांड लिखूंगा तो कमांड में आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमांड लिखता हूँ। ओके, एक एक ना इशू आता है, क्या इशू होता है, इशू भी नहीं है, मतलब मेरी गलती है, मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने सेमी कॉलम लगाया नहीं है, सेमी कॉलम लगाना जरूरी होता है इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सेमी कॉलम लगाने नहीं लगाएंगे तो एरर देता है ये। ठीक है, हर लाइन के बाद, मतलब आपने एक कमांड लिख दी उसके एंड में सेमी कॉलम लगाइए ही लगाइए जरूरी। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ कंट्रोल एंटर से। कंट्रोल एंटर से क्या हो रहा है यार, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक एक लाइन रन होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से सारा सारा कोड रन होता है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, इंसर्ट कमांड का देखते हैं, इंसर्ट, एक सेकेंड, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टैब वन, उसमें क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, वैल्यूज, और ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने इंसर्ट को कैपिटल लिखा था आप कैपिटल लिखें, कुछ भी नहीं, वो मैंने मेरी मर्जी, मैंने कब कैप्स लॉक ऑन करा, कैप्स लॉक ऑफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज। चलिए, अब क्या करते हैं, इसमें नेम दे देंगे कोई, अजय, ये दे देते हैं 23, और इसके अंदर एड्रेस दे देते हैं उसका मुंबई। ठीक है, और क्लोज करा। ठीक है, और इसे रन करते हैं, कमांड मेरी रन हो गई है, शायद मैंने दोबारा रन कर दिया, चलो देखते हैं। अब कमांड रन हो गया, टेबल में डेटा गया नहीं गया, उसके लिए देखने के लिए क्या यूज़ होता है, मैंने आपको सेकंड वीडियो में SQL की सेकंड वीडियो में बताया था कि DQL के अंदर क्या होता है, कि हम रिट्रीव कैसे, मतलब डेटा को देखने के लिए, डेटा को टेबल में देखने के लिए क्या यूज़ होता है DQL, उसके अंदर एक कमांड होती है सेलेक्ट,
सिलेक्ट होती है, ये कमांड यूज होती है सिलेक्ट फील्ड की। ठीक है, किस तरह यूज करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। ठीक है, यह क्या लिखेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम लिखने के बाद टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या था, टैब वन, और अब हम इसको रन कर देंगे। मैंने बोला था ना कि गलती से मैंने दो बार रन कर दिया है, तो दो बार ये क्वेरी इसमें क्या हुआ, हमारा रिकॉर्ड्स जनरेट हो गए हैं, रिकॉर्ड्स फीड हो गए हैं, रिकॉर्ड आ चुके हैं इसके अंदर, दो बार मैंने इसे रन कर दिया था। एक और बार इसे रन करता हूँ देखिएगा, कंट्रोल एंटर। अब दोबारा से मैं सिलेक्ट कर मतलब सीन करना चाहता हूँ कि मेरा टेबल किस तरह का, मेरे उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। अब देखिए तीन आ गए क्योंकि मैंने इसे तीन बार रन कराया सेव कमांड को। इस तरह से आप फिर क्या कर सकते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देते हैं। तो चलिए कुछ कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देता हूँ मैं, वीडियो को रोकता हूँ, काफ़ी इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देंगे, फिर उसमें डिलीशन वगैरह देख लेंगे, चेक कर लेंगे हम कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें देख लेंगे। तो मैंने सारी कमांड लिख ली है, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, इनको रन नहीं किया, रन नहीं किया क्या अर्थ क्या है, ठीक है, पहले मैं इसको आपको इसका इस लाइन को इस कमांड को रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इससे क्या आता है ये देखिएगा, सिंपली वही आ रहा है जो पहले था, क्योंकि मैंने अभी इनको इंडिविजुअली रन नहीं किया है। रन करता हूँ मैं इनको, कंट्रोल एंटर, इसको भी कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, देन इसे भी कंट्रोल एंटर। अब देखिएगा बढ़ गया ना डेटा, रिकॉर्ड्स आ गए। तो ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको इंसर्ट वीडियो ऑन करने के बाद दिखाया है, वरना मैं इंसर्ट पहले करके ला जाता, ठीक है, मतलब इनको रन करके पहले आता है। आप समझ रहे हैं ना कि एक एक लाइन को रन करने का महत्व क्या है इसमें। आप चाहें तो पूरे के पूरे कोड को एक बार में रन कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, बार बार ही क्रिएट होगा डेटाबेस में, ठीक है, बार बार चीज़ें क्रिएट होंगी, तो वो चीज़ नहीं चाहिए हमको। बार बार क्रिएट क्यों करना है, टेबल एक बार क्रिएट हो गया, बार बार सेम नेम से क्रिएट थोड़ा ना करेंगे, समझ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम एक एक लाइन को रन करते हैं जो हमको ज़रूरत होती है। तो अब आपने इसमें देख लिया, अब इसमें क्या कह रहा है, मैंने विजय, अमन, राशि और जतिन, इन सब की मैंने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे यार इस स्पेलिंग तो गलत दिख रही है जतिन की, लेकिन यार वो मैंने इंटेंशली गलत लिखी है। मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमें अपडेट कैसे करना होता है, रिकॉर्ड चढ़ चुके हैं, इंसर्ट हो चुका है, इंसर्ट हम सीख गए, इंसर्ट कैसे करना है आप सीख चुके हैं, यहाँ पे इंसर्ट को आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीन रिकॉर्ड्स और डाल दिए हैं, ठीक है, जब मैंने आपको इंसर्ट यूज़ करने का और तरीका भी बता दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका दिखाया था शायद, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसमें देखिए मैंने क्या किया है, पहले तो इसको बताते हैं क्लियर, देखिए पहले आप आउटपुट देख लीजिए, ठीक है, आउटपुट देख लीजिए, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये तीन रिकॉर्ड्स अब ये मैंने अपडेट करे हैं, ठीक है। नेम में क्या है, चेन्नई है, एज में क्या है, नल है, ये नल कैसे क्या अभी बताऊंगा, फिर क्या है ये सेकंड, साक्षी, और तीसरा ये नल वाली वैल्यूज, ठीक है, ये कैसे होगा यार मैं अभी बता देता हूँ। तो इसको क्लीन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे कॉलम्स दे दिए, मैं किस कॉलम में कौन सी वैल्यू देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था यार, ये वैल्यू कहाँ जा रही थी, जो मेरा मतलब टेबल में पहला कॉलम था, सेकंड कॉलम था, थर्ड कॉलम था, उसमें पहली वैल्यू चली जाती, सेकंड वैल्यू चली जाती, थर्ड वैल्यू चली जाती थी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि पहली वैल्यू मेरी एड्रेस में जाए, सेकंड वैल्यू मेरी नेम में जाए, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, कॉलम स्पेसिफाई कर दिए, तो पहली वैल्यू इसमें जाएगी, सेकंड वैल्यू इसमें जाएगी, एक तरीका हो गया। अब क्या है यार, इसके अंदर एज तो है ही नहीं, एज तो है ही नहीं, तो एज में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, याद है हमने डिस्क्रिप्शन देखा था स्टार्टिंग में, तो नल आना अलाउ है। नॉट नल कर दूं अगर मैं, जहाँ मैं डेटा डिफाइन कर रहा हूँ, डेटा टाइप के बाद नॉट नल कर दूं, तो वहाँ पे हम नल नहीं छोड़ सकते, तो एरर आ जाएगा इस कमांड पे, ठीक है। अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नल वैल्यू जा सकती है, और नल वैल्यू आ भी गई, आप देख रहे हैं ये वाला रिकॉर्ड बन चुका है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, फिर मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि पहले एज जाए, फिर नेम जाए, फिर एड्रेस जाए, मैंने एज दी, नेम दिया, एड्रेस दिया, ठीक है। इस इनको नहीं पता यार, इनको नहीं पता कि हमें नेम में जाना है, एज में जाना है, इसको पता है कि मेरे को सिर्फ इस कॉलम में जाना है, मुझे इसमें जाना है, ठीक है, इस वाले इस नाम के कॉलम में जाना है, बस इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों स्ट्रिंग है यार, किसी में जा सकते हैं। चलिए अगले मैंने क्या किया, एज, नेम, एड्रेस, नेम में मैं नल भेजना चाहता था, एक नल तरीका ये था कि छोड़ो भेजो ही मत, एक तरीका ये हो गया नल भेजने का, देखिए नल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये तरीके हो गए। मुझे इन वैल्यूज को आपको दिखाना था कि इस तरह भी इंसर्ट किया जा सकता है वैल्यूज को, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिलीट कैसे करके, डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए सिंपल सी कमांड है, डिलीट फ्रॉम, जिस टेबल से करेंगे उसका नेम, टैब वन, और हम क्या डिलीट करेंगे, जैसे अगर मैं सिंपल ये कमांड यूज़ करूँगा,
डिलीट फ्रॉम टैब वन, इससे क्या होगा पूरा पूरा टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ उसमें से कुछ चीज़ें, यानी कुछ कंडीशन, कंडीशन लगाने के लिए वेयर यूज़ करना पड़ता है, वेयर यूज़ करना पड़ता है कंडीशन के लिए, तो वेयर लगाऊंगा और इनको डिलीट करूंगा, इसमें कुछ कंडीशन देखूंगा, ठीक है। चलिए ओके ठीक, फ्रॉम टैब वन और वेयर, ओहो ठीक है, वेयर एड्रेस, जहाँ एड्रेस में सुशांत है वो वाली मेरे को रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है। ये उस रिकॉर्ड को डिलीट क्या करता है, रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, ठीक है, उस पूरे रिकॉर्ड को, यानी उस पूरे रो को डिलीट कर देगा। वेयर एड्रेस इक्वल्स टू क्या, SUSHANT, ठीक है ठीक है, मैं इसको रन करूँगा। अब देखते हैं टेबल को, रन, ये डिलीट हो चुका है, देखिए यहाँ मेरी एक नल वैल्यू थी जो कि अब नहीं है, ठीक है, डिलीट हो गया। ऐसे मैं अब इसको डिलीट करूँगा कि जहाँ भी यूपी है, अगर मैं एक कंडीशन देखना, दो चीज़ यानी कि ये और ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, ये दोनों रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पे यूपी यूज़ कर लेता हूँ, इसमें एड्रेस में अगर मैं यहाँ पे यूपी लिख देता हूँ, ठीक है, इसको रन कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर देन कंट्रोल एंटर हियर, ओके, देख रहे हैं आप डिलीट हो गया। तो सिंपली डिलीट करके आता कुछ भी नहीं था, इतना सा काम था डिलीट करने के लिए। तो डिलीट इस तरह होता है, डिलीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। इंसर्ट में तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी कि इंसर्ट किस तरह करा जा सकता है और भी, और डिलीट भी देख लिया तुमने, अपडेट भी देख लिया तुमने। अब हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है मेरा ऑल्टर, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या करता है, ऑल्टर कम जैसे डिलीट था, डिलीट किस पे काम करता था, डिलीट का काम था सिर्फ डिलीट करना, लेकिन वो किसके लिए था, कॉलम्स के लिए था, ओ रोज के लिए था, रोज वो रोज के लिए था, यानी रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के लिए था, ठीक है। लेकिन ऑल्टर होता है हमारे कॉलम्स के लिए, कॉलम में ऐड करना, कॉलम में कॉलम को ड्रॉप करना या कंस्ट्रेंट्स को हटाना, जैसे कि मैं किसी में नल वैल्यू अलाउ नहीं करना चाहता, उसमें नॉट नल करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसका डेटा ऊपर डिफाइन कर दिया पहले ही, जैसे कि यहाँ देखिए, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉट नल नाम की कोई चीज़ लगाई नहीं, मैं चाहता हूँ यार अब लगाना चाहता हूँ नॉट नल, मैं नल वैल्यू चाहता नहीं हूँ, तो वो भी काम किससे कर सकते हैं अचीव, ऑल्टर से कर सकते हैं हम अचीव, ठीक है। तो अब ऑल्टर का कमांड, कमांड को देखते हैं किस तरह हम यूज़ करते हैं, ऑल्टर को यूज़ करने के लिए क्या लिखा जाता है वो देखते हैं। तो नहीं चलते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिखूंगा ऑल्टर टेबल, और है टेबल का नेम टैब वन, ठीक है, ऑल्टर टेबल टैब वन। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा ऐड, जब मैं ऐड करना चाहूंगा तो ऐड लिखूंगा, जब मैं ऐड करना चाहूंगा कोई कॉलम तो ऐड लिखूंगा, जब ड्रॉप करना चाहूंगा मैं ड्रॉप कॉलम लिखूंगा, ठीक है। तो ये चीज अभी दिखाऊंगा, चलो करके दिखा दूंगा, अभी एक ऐड कर देता हूँ फिर एक डिलीट कर दूंगा, ठीक है ठीक है। और ऐड करता हूँ मैं एक कॉलम को, उसका नाम होगा ईमेल, और डेटा टाइप क्या देते हैं इसको, वेयर वेयर साइज देते हैं 255, इसको रन करते हैं, अब चेक करते हैं, मेरे ईमेल्स आ गए, लेकिन ईमेल्स अब तक क्या था, ईमेल्स का कॉलम तो आ गया, ये नल समझ रहे हैं क्यों आया है, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, वैसे फिर भी बताता हूँ, क्योंकि क्या गया है? हमारा कॉलम तो आ गया लेकिन वैल्यू थी नहीं उसके अंदर कुछ, तो नल नल हर जगह नल आ गई वैल्यू। चलिए अब ये हो गया, अब इसको डिलीट करके देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट करने के लिए लिखना पड़ेगा मेरे को, लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्रॉप कॉलम, और मैं किस कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूँ, ईमेल नाम के, ईमेल, ठीक है, इसको एंटर करूँगा और इसको रन करेंगे, कॉलम ड्रॉप हो गया, सिंपली कॉलम ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ऑल्टर का यार इस तरह यूज़ होता है, ऑल्टर हमने यूज़ करना सीख लिया, ऑल्टर में कुछ भी नहीं था, बच्चों खेल।
एक चीज होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं डिलीट फ्रॉम और सिर्फ टैब वन कर दूं यानी टेबल का नाम कर दूं, क्या करेगा, सारा डेटा डिलीट कर देगा। इसी के लिए एक कमांड होती है और वो होती है ट्रंकेट। ये क्या करती है, इस सारा का सारा डेटा हटा देती है। मैंने आपको दिखाया था ट्रंकेट था एक एक कमांड थी, ठीक है, वो क्या कर देगी, सारा डेटा हटा देगी, बस स्ट्रक्चर छोड़ देगी। अब डिलीट भी यही काम कर रहा है, ट्रंकेट भी करता है, बस काम क्या करता है ना, ट्रंकेट फास्ट होता है, डिलीट के कंपेरिजन में फास्ट होता है, पर काम क्या करता है, ट्रंकेट सिर्फ एक ही काम करता है, वो सारे के सारे रोज को, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को, रोज नहीं कहेंगे अब रिकॉर्ड्स कहेंगे, आप समझ चुके होंगे, सारे सारे रिकॉर्ड्स को हटा देता है। डिलीट फ्रॉम टेबल वन लिखूंगा, सिर्फ इतनी कमांड लिखूंगा, वो भी सारा सारा रिकॉर्ड हटा देगी, बस ये फास्ट होता है। जब यार हमारे पास हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होता है डेटा बेस में हमारे पास, तब हम ट्रंकेट यूज़ करते हैं अगर सारा का सारा डेटा हटाना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको भी, इस कमांड को भी, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ट्रंकेट टैब टेबल का नेम, मैं इसे रन कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर। अब चेक कर लेते हैं, एक सेकंड, कैसे नहीं हुआ ये रन, अच्छा यहाँ ओके, सेमी कॉलम मिस कर दिया, कंट्रोल एंटर देन कंट्रोल एंटर, और सब कुछ साफ, कुछ नहीं बचा, सारा डेटा गायब, ठीक है। ट्रंकेट का आपने यूज़ देख लिया, ट्रंकेट किस काम आता है। चलिए करते हैं दोबारा से वो डेटा को ऐड कर देते हैं, दोबारा से वो डेटा ऐड कर देते हैं, एक दो कमांड और बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं वो डेटा ऐड कर देता हूँ दोबारा, सब इन कमांड को सब दोबारा से रन कर दूंगा सिंपली, और कुछ नहीं। कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर, तीन बार था ये, फिर कंट्रोल एंटर, सिंपली कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर, और यहाँ भी कंट्रोल एंटर। फिर ये भी गलत नाम थे, इनको भी मैं ऐड करता हूँ अपने डेटाबेस में, इनको भी एज अ रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, चेक कर लूँगा ये हुए हैं नहीं हुए हैं ऐड, तो एंटर, और सब ऐड हो गया यार, सब ऐड हो गया। नाम देख लीजिए, ओहो नाम देख लीजिए, और ये सारे मैंने सिर्फ कंट्रोल एंटर दबाए, मैंने अपनी लाइन्स पहले लिख रखी थी, उनको हटाया नहीं था, उस लाइन पे जाके मैंने सिर्फ कंट्रोल बस एंटर यार, सिर्फ ये बटन दबाया और कुछ नहीं करा, ठीक है। मेरा मेरे सारे रिकॉर्ड्स वापस आ गए, ठीक है। चलिए लास्ट कमांड है मेरी डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, चलिए लिखा नहीं जा रहा है, टैब कुछ दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको सीधा रन करके दिखाता हूँ कमांड को किस तरह यूज करेंगे। लास्ट कमांड डिस्टिंक्ट क्या करते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट में यूज होती है, हम क्या चाहते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम चाहते हैं, उसमें यूनिक वैल्यूज चाहते हैं। जैसे मुझे एज चाहिए, एज में क्या 23 काफी ज्यादा बार आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए कितनी बार आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज देखनी है, क्या कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है, मैं सिर्फ वो देखना चाहता हूँ, उसके लिए डिस्टिंक्ट यूज कर लेंगे, डिस्टिंक्ट यूज कर लेंगे। डिस्टिंक्ट का कोई ज्यादा यूज नहीं है, बस आप देख लीजिए ऐसी कि हम सिलेक्ट के साथ क्या क्या खेल खेल सकते हैं, ठीक है। मैं ही चेंज करूंगा डिस्टिंक्ट, और एज पे डिस्टिंक्ट लगा रहा हूँ मैं, कि एज हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक है, कंट्रोल एंटर, और देखिए आप क्या, यहाँ डालता हूँ नेम पे, और अब देखिए सारे डिस्टिंक्ट नेम आ गए। मैं डालता हूँ एड्रेस पे, एड्रेस पे, और सारे डिस्टिंक्ट एड्रेस आ गए, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का ये काम है। तो डिस्टिंक्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली हमको काउंट अगर चाहिए होता हो, अगर हमें काउंट चाहिए तो हम काउंट निकाल सकते हैं। काउंट कैसे निकालेंगे, काउंट के लिए सिंपली इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, एक सेकेंड, काउंट के लिए, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम काउंट, ठीक है, इसे रन करेंगे। तो 7 डिफरेंट हमारे पास एड्रेसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं नेम डाल दूंगा, डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट एज, और मैं देख सकता हूँ कितने अलग तरह की एज के लोग हैं, बस ये इसी काम आता है। चलिए और मैं दिखाता हूँ सिलेक्ट के साथ हम और किस तरह खेल सकते हैं। हमारे पास वेयर कंडीशन है, वेयर क्लॉज है हमारे पास, उसके साथ हम क्या क्या खेल कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, वो देख लीजिए। वेयर, पहले तो इसको दोबारा से मैं तुम्हें प्रिंट करके बैठता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी ना एज 23 सिर्फ वही आए, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, या फिर जहाँ भी हमारी कंट्री, ओ जहाँ भी हमारा एड्रेस यूपी है वही आए, ठीक है। वेयर एड्रेस इक्वल्स टू, सिंपल रन कर दिया इसको, और देखिए सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है। तो यार वेयर कंडीशन है हमारे पास, हम वेयर कंडीशन का जितना चाहें उतना प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह भी हमको आउटपुट चाहिए हम उस तरह यूज कर सकते हैं। ये पूरे को भी हम किसी के वेयर में भेज सकते हैं, जैसे एक होगा सिलेक्ट
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर वेयर कर देंगे उसके आगे, वेयर के आगे ये पूरी की पूरी लाइन दे देंगे, ठीक है। तो उससे देखिएगा क्या आउटपुट आएंगे, इस वेयर के साथ खेल के देखिएगा कितना कुछ हो सकता है वेयर से। इस कंडीशन आप क्या क्या सोच सकते हैं, कैसी कैसी कंडीशन लगा सकते हैं, किस किस तरह से आप कंडीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आप सोच के देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपने जितनी कमांड सीखी इस वीडियो में, अगली आगे की वीडियो में और बाकी जो कमांड बची है वो सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया है, और बदले में क्या करना होगा आपको, आपने यहाँ पे जो ये ज्ञान लिया है, इस ज्ञान के बदले हमको क्या चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी चीज, लाइक शेयर कमेंट, चलेगा नहीं सही से, चल जाए भाई, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बस इतना ही काम यार आपकी साइड से, और हमारी साइड से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।